सबसे पहले आ गई तेल के साथ अपन डालेंगे चर्बी, उसके अलावा ये 1 किलो कलेजी है, गुर्दा है। तेली ऐसे लोग हैं जो सुबह भी मीट खाते हैं, रात को भी मीट खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आते ही मीट खाते हैं। स्टार्टर के साथ साथ एक दो रोटी भी आदमी खा ले और हेल्दी का हेल्दी हो जाए। कलेजी दमदार चीज रहती है, आदमी गर्मी में भी खा सकता है, सर्दी में, और इजी टू डाइजेस्ट रहती है अपनी कलेजी। इसे धनिया डाल देंगे, हल्का सा पानी डालूंगा उसमें आधा ग्लास, फिर इसको पकाऊंगा, फिर देखना वैसी रिचनेस आएगी ना ग्रेवी की, ऐसा लगेगा मक्खन का पीस खा रहे यार। ये ऑप्टिमम बाइट बना दी तुमने। अब खाना है कलेजी आ चुकी है भाइयों। तो क्या क्या आइटम लिया है इसमें? दिल है, गुर्दा है और कलेजी। तजी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सलेश, आप बताओ। बहुत बढ़िया है यार। क्या चिकन आजकल कम प्रेफर करने लग गए हैं क्योंकि वही सेम चीज़ होती है, चिकन टिक्का हो गया, मलाई चिकन टिक्का हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, मीट में ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं है लोगों के पास। तो आज मीट में हमने सोचा कि यार भुना कलेजी शुरू करते हैं, कलेजी, गुर्दा और दिल, क्योंकि लोग क्या कलेजी खाना भी पसंद करते हैं। ज़्यादातर जगह जो मिलती है वो कलेजी मिलती है कीमा कलेजी टाइप, लेकिन स्टार्टर में कुछ कलेजी का ऑप्शन नहीं है जयपुर में। तो हमने जो शुरू किया वो भुना कलेजी शुरू किया। आज हम बनाने वाले हैं भुना कलेजी, जिसको हम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और उसके अलावा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये सबसे पहले आ गई तेल के साथ अपन डालेंगे चर्बी, उसके अलावा ये 1 किलो कलेजी है, गुर्दा है और दिल के पीसेज हैं। फिर इसमें आ गया रफली चॉप किया हुआ प्याज आ गया, ये खड़े मसाले आ गए, दालचीनी, शाही जीरा, साबुत लहसुन, इलायची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, स्टारफूल, कुटी हुई अदरक, लौंग, जावित्री और जायफल, काली मिर्च, उसके अलावा गार्लिक। ये गार्लिक एंड में डालेंगे अपन, क्योंकि ये जब ऊपर आता है ना, ऊपर ऊपर जो बाइट होता है तो थोड़ा मीठा मीठा स्वाद आता है, हल्का सा, तो बढ़िया लगता है लहसुन का स्वाद है। ये चॉप करी हुई हरी मिर्च है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ये ऊपर गार्निश के लिए धनिया, और ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में सदाबहार सरसों, सदाबहार सरसों, राजस्थान का आदमी और घोड़ा सरसों खाता है। क्या बात, ये अपनी सिगड़ी तैयार है और अब सिगड़ी में कोयला डल चुका है और इसके ऊपर अब ये रखेंगे अपन ये अपनी डेगची। सबसे पहले अपन सरसों का तेल, कितना बना रहे हैं अपन? अपन 1 किलो बना रहे हैं कलेजी, ये सरसों का तेल आ गया है इसमें। इसमें तेल फाड़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें ये चर्बी डालने वाले हैं। अच्छा, अभी चर्बी डाल देंगे, तेल गर्म हो गया। क्या बात है यार, अब आप देख सकते हैं ये फैट जो है हल्का सा ब्राउन होने लगा, इसकी खुशबू आने लगी है और इसके अंदर का जो घी था वो सारा इस तेल में उतर गया। इसके बाद अपन इसमें डालेंगे प्याज, ये इसमें प्याज आ जाएगा। कितना प्याज ले रहे हैं अपन? अपन करीबन 600 ग्राम प्याज लेंगे। यहाँ पर सिगड़ी पर बन रही है भुना कलेजी और मसाले इसमें डल चुके हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। और हमारे साथ पृथ्वी हैं, इनकी आपने वीडियो देखी रखी है, बहुत फेमस हो रखे हैं। 2 वीडियो ने इतना ज़्यादा फेमस किया है इनको, एक तो मारवाड़ी मटन और एक राजपूताना मटन, भाई साहब दोनों वीडियो खेली थी। 3-4 दिन पहले सोचा था, एक क्या फैमिली आई थी, उन्होंने ब्लॉग देखा था, तो वो वहाँ रहते थे रशिया, उनकी बच्ची डॉटर पढ़ रही थी, अपनी डॉटर को लेने गए थे रशिया में। तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने ब्लॉग वगैरह देखा, मीट वगैरह खाया, फिर उनको क्या है बोले कि यहाँ पे कुछ स्टार्टर नहीं मिलेगा, तो मैंने उनको क्या चाप दी, तो चाप देने के बाद उनको बोला और कुछ, तो मैंने भुना मटन दिया। फिर वो बोले कलेजी है कोई आइटम नहीं है क्या? मैंने कहा कलेजी खाते हो? बोले शुरू करो आप, बहुत लोग खाते हैं, हमारे जैसी बहुत फैमिलीज खाती हैं कलेजी, जो सिर्फ कलेजी खाना ही प्रेफर करती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने कहा कलेजी डिश में तो जयपुर में कम क्रेज है खाने का, मैंने कहा उसको स्टार्टर में शुरू करते हैं कि स्टार्टर के साथ साथ एक दो रोटी भी आदमी खा ले और हेल्दी का हेल्दी हो जाए, क्योंकि कलेजी दमदार चीज़ रहती है, आदमी गर्मी में भी खा सकता है, सर्दी में, और इजी टू डाइजेस्ट रहती है। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो कलेजी, और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कलेजी खाने का शौकीन हूँ। क्या बात है यार। अब इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे, ये पहले साबुत लहसुन डाल देते हैं, ये जावित्री आ गई, जायफल आ गया, ये काली मिर्च आ गई, तेज़पत्ता आ गया, ये लौंग आ गई, ये अदरक आ गई, बड़ी इलायची आ गई, स्टारफूल आ गया, ये दालचीनी आ गई, ये छोटी इलायची आ गई और शाही जीरा आ गया। मसाले जले नहीं है? हाँ जले नहीं है, और थोड़ा क्या है कि स्पाइसी को कम रखना। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग लिकर का कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम और डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो ये वाला मसाला मिनिमाइज़ भी रखना है, और इस वाले में आपने मेरी किसी भी रेसिपी में दही नहीं देखा होगा, इसमें हम बहुत पतला सा घोल बना के, मतलब छाछ टाइप बना के दही की वो डालेंगे। मिर्च मसाले न्यूट्रलाइज रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, आदमी को पचेगा नहीं तो वो खाएगा नहीं।
हमारे मीट की, हमारे रेस्टोरेंट की कोई भी खाने की एक स्पेशलिटी कि हमारा खाना खाने के बाद सुबह आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हमारे लोग डेली ऐसे लोग हैं जो सुबह भी मीट खाते हैं, रात को भी मीट खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आते ही मीट खाते हैं। ऐसे कस्टमर हैं और दुकान खुलने के पहले ही हमारी फ़ोन कर देंगे, बना मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, मीट मिल जाओ आपने। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा लेकिन कल का है। अरे कोई बात नहीं, आपने तो कल को परसों भी चल लो। टेस्ट बैठ जाता है ना लोगों के, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जगह तो 5-5, 7-7 दिन डीप फ्रीज वो मिल रहा है, और यहाँ तो उनको पता है कि रात को 10 बजे बनाया है और सुबह अपन ने 11 बजे खा लिया, तो घर में भी तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल। प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देख सकते हो आप। हाँ जी। अभी प्याज के पहले ये डाल देंगे आप थोड़ा सा नमक, कलेजी डालने के जस्ट पहले। अब इसमें डाल देंगे कलेजी, ये अपनी कलेजी आ गई। क्या बात है यार। तो कलेजी ऐसा सख्त तो नहीं होगी? नहीं नहीं, नहीं। माइल्ड रहेगी बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप हुई हरी मिर्च। अच्छा प्रति यार, मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए थे यार रिगार्डिंग कि यार वहाँ की क्वालिटी बिगड़ गई है, सही नहीं दे रहे हैं। मैं गया था भैया, आप तो अच्छे बता रहे थे यार। नहीं ऐसा ऐसा होता है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा कि लोगों ने गलत कमेंट किया हुआ। देखो क्या होता है कि कोई आदमी हमारा मटन जैसे बन गया शाम को 4-5 बजे, अब 4 से लेकर 10 बजे तक स्लॉट में जो आया उसने मीट खा लिया, उसको बढ़िया लगा। अब जो 10:30 बजे से 11, 11:30 के स्लॉट में आया उसको या तो पीस छोटा मिलेगा है ना, या नली नहीं मिलेगी, या चाप नहीं मिलेगा। जो 10 बजे तक कस्टमर खा गया उसको तो बढ़िया लगा, अब 10 बजे बाद आया माल कम पड़ गया। और दूसरी चीज़ हमारी भी एक कमी थी उसमें ये रही थी कि हमारे पास क्या ऑर्डर लेट जाता था। अब वो वाली सोल्यूशन हम बिल्कुल, हमने जो प्रॉब्लम थी वो सारी ख़त्म कर दी। अब हमारा कस्टमर आके भी शौक हो रहे हैं, मतलब कस्टमर बोलता है और टेबल पर ऑर्डर आ जाता है, बोलता है ये क्या हो गया जायका पे। अच्छा। तो हमने क्या, पहले भट्टी और हमारी स्पेस की वजह से, भट्टी की वजह से हमारा ऑर्डर लेट हो जाता था, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और दूसरा माल जो था हम बराबर बनाने लगे। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, देखो थोड़ा थोड़ा रोगन ऊपर आने लगा, लहसुन अच्छी तरह मैश हो चुका है प्याज के साथ। अब इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर आ गया। क्या बात है। ये आ गई लाल मिर्च। लाल मिर्च अपनी कौन सी है? तेजा। तेजा कलर भी अच्छा आता है यार। हाँ कलर अच्छा आता है, देगी वेगी डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं। मैं सारे मसाले डल चुके हैं। क्या बात है यार। अब इसमें देखना पानी वानी डाल के ज़्यादा स्टीम स्टीम नहीं करना है, क्योंकि भुना कलेजी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल टाइट टाइट ही रखनी है ग्रेवी। पानी बिल्कुल सुखाते रहना है, इसका चलाते रहना है इसको। यार एक पीस निकाला जाए। हाँ हाँ बिल्कुल पीस आप। क्या बात है। ओए होए 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 दोस्तों, मज़ा आने वाला है आज, ये मान लो आप। यार ये ऑप्टिमम बाइट बना दी तुमने। अब खाना इसको, ठंडा हो जाए फिर खाएंगे। गाइस थोड़ा सा पानी डाला नीचे से, चिपके नहीं इसलिए। हाँ। और ये मसाले अच्छे से पक जाएंगे और ग्रेवी तो एकदम थिकी रहेगी इसकी, बिल्कुल लिटपिटी। इसको आप खाओगे, अभी इसमें दही और डलेगा, अभी इसमें रिचनेस आने लगी थी थोड़ी थोड़ी। हाँ। अब इसमें देखना दही डलेगा ना, फिर हल्का सा पानी डालूंगा इसमें आधा ग्लास, फिर इसको पकाऊंगा, फिर देखना वैसी रिचनेस आएगी ना ग्रेवी की, ऐसा लगेगा मखमल का पीस खा रहे हैं। अरे वाह, इतना मुलायम हो जाएगा ना, पहले मुंह में पानी आ रहा है और तुम मखमल की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल एकदम खा के मजा आ जाएगा। फैटा हुआ दही है ना? हाँ फैटा हुआ, थोड़ा सा पतला है। पतला है दोस्तों। अभी इसकी रंगत देख रहे हो आप, ये जो ऊपर ऊपर से जो रोगन आया ना भाई, क्या खेलेगा ना ये। इसमें ये बारीक चॉप करा हुआ गार्लिक डाल देंगे। क्या बात है। धनिया भी डालेंगे फ्लेवर लाने के। मज़ा आ गया साहब, ये आराम से रोटी के साथ भी जाएगी। और आप इसको जो ग्रेवी है ना, तो चम्मच से भी खा सकते हो। चम्मच से खा सकते हो शाम वाले काम में। अरे मस्त, किसी का शाम का काम हो, किसी का दोपहर का काम हो, कोई सा भी काम हो किसी को, उसके साथ खा सकते हैं। हर प्रकार के काम के साथ सूटेबल है ये। ये जो रोगन आता है ना ऊपर, इसको अपने यहाँ पे तो रोगन बोलते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं इसको तरी। तरी बोलते हैं। तरी, तरी में वो कहते हैं जब तक हाथ नहीं डूबे जब तक मीट खाने का कोई मजा ही नहीं। तरी में हाथ नहीं डूबा जब तक। बस 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 तरी, इसलिए वहाँ खमीरी रोटी खाते हैं ज़्यादा, इसलिए सोख लेती है, सोख लेती है वो, और इसलिए उनकी ब्राइटनेस, चेहरे की चमक वमक। अपने यहाँ बोलते हैं तेल है इसको निकाल दो। अब इसको तेल को निकालने के लिए तो ये पूरी मेहनत होती है, फिर इसको भी निकलवा देता है। ये तो फ्लेवर है, ये फ्लेवर मानता हूँ, हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ बट खाना चाहिए जिससे आपको एक्चुअली फ्लेवर तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मसाला बिल्कुल पक चुका है, रोगन ऊपर आ गया। क्या अभी इसमें से धनिया डाल देंगे,
मीट ऑन धनिया। ये हमारा राजपूताना मटन बन रहा है जो रेस्टोरेंट के लिए बनाते हैं। ये इसकी भी मेकिंग सेम रहती है, कई लोग बोलते हैं बॉईल करा हुआ बना दिया, ऐसे बना दिया, तो आप रेगुलर टाइम पे आयो अब देख लो ऐसे ही बन रहा है। 15 किलो की मेकिंग है, ऐसे ही बन रहा है। ये अपन ने जो बनाया था वो 1 किलो बनाया था, है ना? उसका 15 किलो, 1.5 किलो बनाया था और अब 15 किलो बन रहा है। बहुत तरक्की हुई है। काली मिर्च नान, काली मिर्च नान, काली मिर्च नान। प्राइम कस्टमर लेते हैं इसको, जिसकी वर्थ समझते हैं ना कि सर्दियों में काली मिर्च क्यों खाना जरूरी है। वो लोगों ने खूब काली मिर्च खाई। बिना कलेजी, सिर्फ ओनली कलेजी और गुद्दे, वो चीज़ आपको जयपुर में ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिल रही। शाम के टाइम जो लोग होते हैं ना कि भाई जिसमें यू नो खाना भी हो जाए चखना भी हो जाए। एक बार प्लेट देखो, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये कलेजी का साइज़ चेकआउट करेंगे एक बार आप, ये देखो ये इस साइज़ के 4 पीसेस रहेंगे। ये देखो साइज़, तो ये कलेजी का साइज़ रहेगा। तो सबसे पहले इस नान से ही शुरू करते हैं। ये देखो ये लेते हैं सबसे पहले गुर्दे का पीस, ये चेक करें। ओए होए 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 होए, देख रहे हो फ्रेशनेस, अरे भाई साहब गजब। और ये लेते हैं थोड़ा सा मसाला, वो वाली जो चीज़ होती है ना जब अपन मटन बनाते हैं घर पे, और मटन बनाते टाइम जब यू नो मटन बनाते टाइम पानी नहीं डालते हैं, उससे पहले ही मसाले को भून लेते हैं, मसाले अच्छे खासे भून जाती है और जो कलेजी भी भुन जाती है, जो अपन एट दैट टाइम पे कलेजी को निकलवा के मसाले के साथ खाते हैं, वो वाली चीज़ है भाई ये, समझ रहे हो आप। ये देखो ये कलेजी लिया, इसका थोड़ा सा साइज पीसेस में किया और ये आंधे या मसाला, ये देखो ओए होए होए है आइटम। बस क्या बात है। ये दोस्तों थोड़ी सी ग्रेवी ली है मैंने। शाम के टाइम अगर जैसे आपको मन कर रहा है कुछ ऐसा खाने का कि हेल्दी भी हो और यू नो मज़ा ही आ जाए, जैसे आप 200 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे ना, उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पे आओ, ये कलेजी लो मसाले के साथ और साथ में आप 2 रोटी ले लो, शानदार कॉम्प्लीमेंट करेगी, आपको मज़ा भी आ जाएगा और ये मान लो कि आपका पेट भी भर जाएगा और संतुष्ट भी करेगी वो चीज़ आपको। अब ये वाला नान लेते हैं इनका, जो ये उन्होंने मिर्ची वाला नान बनाया ना, जो ये लेते हैं पीस। क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया साहब। ये मसाला आए हाय हाय, ये थोड़ी सी प्याज डाली इस पर आंदो। एक्चुअली जो मटन लवर है ना उनके लिए डिश है ये देखें एक बार आप, ये देखें सर ऐसे इसको लो, ये मसाले में डिप करो इसको हल्का सा। ये जो मसाला ना दोस्तों, ये मसाले में बहुत जान है भाई, बहुत जान है, और सीधे जान है इसको। ये तवा चपाती ली, एक ये पीस उठाते हैं और इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं और ये मसाले थोड़ा सा मसाले में डिप किया ये, क्योंकि क्या होता है दोस्तों एक्चुअली जो टेस्ट होता है ना मटन का या किसी भी डिश का, तवा चपाती से ही पता चलता है। ओह भाई, कलेजी के 2 पीस रोटी पे रखे, थोड़ी सी जो ग्रेवी जो मसाले वाली ग्रेवी दी उसको और हल्का सा उस पर प्याज डाला और उसको रोल बनाया और खाया, वैसा टेस्ट है भाई बिल्कुल। ये अगर आप मील एंजॉय करना चाहते हो तो नेहरू गार्डन के सामने जस्ट आपको दिख जाएगा जायका रेस्टोरेंट, वहाँ पे आप आ सकते हो। मैं इस मील को करता हूँ एंजॉय, अब आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।